मंडी वाले कहाँ गया, मंडी वाला भाग गया। ये मंडी के यहाँ पे अधिकारी हैं, इनका काम सिर्फ ये है, ये यहाँ से ट्रॉली की पर्ची बना कर देते हैं। मिलर्स जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे यहाँ से किसान लेकर जाएगा। इनका काम है कि जो आड़ती है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे कमीशन करना। ये यहाँ पे सेट है, आप देख लो भाई, और भारत सरकार देख लो, देश का। आओ इधर आओ भाई, मंडी वाले कहाँ हैं, इधर आओ, आगे आ जाओ। ये इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे धान तुलना था, जहाँ पे काम हो रहा था, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ इधर, आ जाओ आप, आ जाओ, आ जाओ सारे, आ जाओ भाई, क्योंकि प्रमोशन तो सबका ही होगा ना। ये यहाँ पे जहाँ पे धान की तुलने थी, यहाँ पे लकड़ी थी, यहाँ पे लकड़ का काम हो रहा है। आपको किसान यहाँ आया ही नहीं, किसान सड़कों पे अपना धान करा रहे हैं। जो हमारे पास किसानों ने गेहूँ तोला, वो लोग कह रहे हैं हम 7 या 8 दिन के बाद हमारा धान सूख जाएगा, फिर लाएंगे हम धान। मतलब अभी एक भी नहीं, यहाँ किसान का धान यहाँ पे इनकी सबकी भी भगत से, यहाँ पे मंडियों के जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से पूरे किसानों के धान को लूटा जा रहा है। हम है यहाँ पे उत्तराखंड रुद्रपुर में, और ये एक सरकारी क्रय केंद्र है। आप उसकी हालात देख सकते हो, ना भारत सरकार को दिखेगी। जो लड़ाई पिछले 11 महीने से दिल्ली में चल रही है, वे कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ये एमएसपी का क्रैकेज और सेंटर है पूरा यहाँ पर, ये इनका ऑफिस है पूरा यहाँ पे। ये इनकी हालात देखो, ये यहाँ पे तुलने का इन्होंने एक सिर्फ बोर्ड लगा रखा है। और किसानों को पूर्ण रूप से ये मंडी के अधिकारी है, कहाँ गए भाई, वो भी भाग गया कहा ना, ना? मंडी आप तो यहाँ करें, आपने कितना तुलना जब से यहाँ से अभी सर यहाँ पर कोई भी किसान नहीं आए हमारे पास। मतलब आपको किसान यहाँ आया ही नहीं, किसान सड़कों पे अपना धान करा रहे हैं। जो हमारे पास किसानों ने गेहूँ तोला, वो लोग कह रहे हैं हम 7 या 8 दिन के बाद हमारा धान सूख जाएगा, फिर लाएंगे हम धान। मतलब अभी एक भी नहीं, यहाँ किसान का धान यहाँ पे इनकी सबकी भी भगत से, यहाँ पे मंडियों के जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से पूरे किसानों के धान को लूटा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये शेड है, ये भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आ जाइए इधर भाई, मंडी वाले कहाँ गया, मंडी वाला भाग गया। ये मंडी के यहाँ पे अधिकारी हैं, इनका काम सिर्फ ये है, ये यहाँ से ट्रॉली की पर्ची बना कर देते हैं। मिलर्स जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे यहाँ से किसान लेकर जाएगा। इनका काम है कि जो आड़ती है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे कमीशन करना। ये यहाँ पे सेट है, आप देख लो भाई, और भारत सरकार देख लो, देश का। आओ इधर आओ भाई, मंडी वाले कहाँ हैं, इधर आओ, आगे आ जाओ। ये इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे धान तुलना था, जहाँ पे काम हो रहा था, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ इधर, आ जाओ आप, आ जाओ सारे, आ जाओ भाई, क्योंकि प्रमोशन तो सबका ही होगा ना। ये यहाँ पे जहाँ पे धान की तुलने थी, यहाँ पे लकड़ी थी, यहाँ पे लकड़ का काम हो रहा है। यहाँ पे किसान का अनाज तुलना था, तो यहाँ पे पूरा ये बेच दिया है। इसीलिए ये जो मंडियां हैं, इसीलिए मंडियां बंद होगी, इसीलिए मंडियों में दूसरे कारोबार शुरू होंगे। ये मंडियां बर्बाद होगी पूरी। आप देखोगे पूरा लक्कड़ का काम इन शेड में, ये लक्कड़ का काम है। ये मंडी के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ की सरकार की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। जो भारत सरकार कह रही है, जो उनके मीडिया के लोग कह रहे हैं, जिनको बड़े बड़े एड दे के किसानों के खिलाफ चला जाता है, ये हालात हैं। उनसे भी बड़ा मेहरबानी है कि वे भी जरूर दिखाएं यहाँ की क्या हालात हैं। एक भी किलो धान की रुद्रपुर मंडी में खरीद नहीं हुई, और आप देखोगे कि पूरे जो धान के ट्रैक्टर हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पर्चियाँ कटती हैं, और यहाँ से पूरे के पूरे जो
हाउस है, जो गोदाम है बड़े बड़े, वहां पर चले जाते हैं। पूरा किसानों को लूटने का प्रोग्राम बना हुआ है, पूरे देश के किसान के ही हालात है। ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि क्या हालात किसान के हो रहे हैं। सरकार पूर्ण रूप से झूठ कह रही है कि MSP थी है और रहेगी, या अधिकारी है। यहाँ पे एक भी बोली अगर लगाई हो, आ जाओ भाई आप भी, यहाँ पे बोली लगती है, बोली यहाँ पे कहाँ पे नहीं लगती, नहीं नहीं पढ़ कहाँ है, ये पढ़ी तो है ना, नहीं लगती है बोली, यहाँ नहीं लगती है, कोई नहीं लगती है बोली यहाँ पे, कोई एक बोली आपने लगाई नहीं लगी है, बोली अभी धान आएगा, बोली नहीं लगती है। हम किसान हैं, हम कह रहे हैं भाई, ये किसान है, हम लोग कह रहे नहीं लगती है, यहाँ कहाँ बोली लगी है, आप लगाते हो, हम किसान है, एक बोली आप, अरे करे के तो आपका ही है, करे के नहीं बिकता, एक क्रय केंद्र पे एक किलो अनाज नहीं बिकता। मंडियों की व्यवस्था है कि जो शेड है उसमें पूरी पार्किंग है, शेड में पूरा काम चला हुआ है, इसमें एक किराए पर ले रखे हैं, ये जो दुकान है ये भी मंडी की दुकान है, ये कुछ नहीं मंडी, तो ये कैसे कर रहे हैं फिर, ये मंडी का ये तीन शेड, और ये क्रय केंद्र पे ना बारदाना है ना लेबर है, तो लगा कुछ नहीं है। देखो ना क्रय केंद्र जा रहा है, अगर आप भी समझ नहीं है, फॉर्मेलिटी हो, आम किसान ने भी अभी नहीं समझा है, तो भाई अगले सीजन में समझ लेना, उससे अगले में समझ लेना। हमारी जो 11 महीने से लड़ाई है ये है कि देश का किसान बर्बाद हो चुका है, अधिकारी व्यापारी मिलकर देश के किसानों को लूट रहे हैं, सरकार उसको लुटवा रही है। अगर आपकी अभी भी आंख नहीं खुली तो ये देश बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। और कहीं किसी का धान क्रय केंद्र पर बिका है तो वो जरूर भेज दें, किसानों को लूटा जा रहा है। यहाँ पे सब अधिकारी कर्मचारी सरकारें सब मिलके किसानों को लूट का काम चल रहा है। ये यहाँ पे उत्तराखंड में है, यहाँ पे किसान की टोली लगनी चाहिए थी, यहाँ कुछ नहीं है, जो भी मेज लगी ये लगी, यहाँ पे कोई एक भी किलो की खरीद अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे हजारों ट्रैक्टर रोज आ रहा है, अब भी खड़े वो यहाँ से पर्ची काटते हैं, उसमें सिर्फ कमीशन लेते हैं, और ये हालात है, ये घंटा है कहाँ टोली आई, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैनर लगा हुआ है। आपने एक आध किलो धान तोलना था भी दीजिएगा, हमारे जितने धान तो सारा लूट लिया, रोड पे खड़ी सब धान तो कर्मचारियों ने लूट लिया, नहीं नहीं आपने इस साल का एक भी धान तोलने, आपने तो सर धान आया ही नहीं, धान तो लूट रहे हैं, रोड पे खड़ा, रोड पे बताओ, हाँ पता है सरकारी क्रय केंद्र होते हैं, आपने एक भी उत्तराखंड के किसान की बात कर रहा है, मैं कोई यूपी के नहीं कर रहा, आपने तोला है, मॉइस्चर की वजह से दिक्कत आई पड़ी, होने का ही नहीं मॉइस्चर, तो भाई होने का ही नहीं थे, होने का ही नहीं, मॉइस्चर के नाम पे धान को हजारों ट्रॉली धान मॉइस्चर के नाम पे नहीं खरीद होगी, वो होगा ही कुछ नहीं, क्योंकि बड़े व्यापारी को सेलरों को फायदा देना है, इसलिए सब लोगों को समझने की जरूरत है। ये यहाँ के अधिकारी है, सिर्फ बोर्ड और कुर्सी है भाई, यहाँ पे यही हालात होगा, आप लोग इस व्यवस्था के खुद जिम्मेदार हैं, धन्यवाद।